Hello, class 7 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher, Silla. Today, we are going to start with the second chapter, and the name is An Island of Trees. Let's get started. Koki and her grandmother were sitting on a string cot in the shade of an old jackfruit tree, and grandmother was talking about her father and his great love for trees and flowers. So, पैराग्राफ में क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि कोकी एक बच्ची है और उसकी ग्रैंडमदर वो दोनों एक स्ट्रिंग कॉर्ड क्या होता है चारपाई जिसे हम कहते हैं ना उसको कहते हैं तो उस पे बैठे हैं एक जैकफ्रूट ट्री के नीचे यानी कि एक कटहल के पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे हैं तो उसमें जो उसकी कोकी की जो दादी माँ है वो उसको बता रही है कि दादी माँ के जो पापा थे उनका और ये ट्रीज का और फ्लावर्स का कैसा ग्रेट लव था उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग थी उसके बारे में उसकी दादी जी अब उसे बताने लगी हैं। ग्रैंडमदर सेड आई वॉज नेवर एबल टू गेट ओवर द फीलिंग द प्लांट्स एंड ट्रीज लव्ड माई फादर विथ एज मच टेंडरनेस एज ही लव्ड देम आई वॉज सिटिंग बिसाइड हिम ऑन द वरांडा स्टेप्स वन मॉर्निंग When I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near my feet, as we sat there in the soft winter sunshine, I saw the tendril moving very slowly away from me and towards my father. 20 minutes later, it had crossed the veranda steps and was touching my father's feet. अब यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में क्या बात कही गई है? कि एक बार की बात है दादी माँ बता रही हैं कि जब वो छोटी थी तो वो वरांडा के पास में वहां पर बैठी थी वरांडा स्टेप्स पे मॉर्निंग में तो उनके पापा के भी उन वहीं पे ही बैठे थे तो एक टेंड्रिल ऑफ अ क्रीपिंग वाइन यानी कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एक स्प्रिंग जैसी कुछ डंडी सी नहीं निकल के आती है जिसमें स्प्रिंग स्प्रिंग जैसा रहता है उसको टेंड्रिल कहते हैं तो वो जो टेंड्रिल था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो उसके पास आया और फिर थोड़ी देर बाद 20 मिनट्स बाद वो उसके फादर जो थे उनकी फीट के पास तक पहुंच गया देयर इज प्रोबेबली अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लांट्स बिहेवियर समथिंग टू डू विथ लाइट एंड वार्मथ बट आई वॉन्ट टू थिंक दैट इट मूव्ड सिंपली बिकॉज इट वॉज फॉन्ड ऑफ माई फादर तो इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि उसकी दादी माँ कह रही है कि प्रोबेबली यहाँ पर कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है प्लांट्स के बिहेवियर की लेकिन वो ये भी समझती है कि उनके फादर का और प्लांट्स का एक अलग ही कनेक्शन है तो इस वजह से भी जो मतलब है ना वो टेंड्रिल था उसने इस तरीके से रिएक्ट किया वन फेल्ट लाइक ड्राइंग क्लोज टू हिम समटाइम्स व्हेन आई सैट अलोन बीनीथ अ ट्री आई वुड फील अ लिटिल लोनली और लॉस्ट बट As soon as my father joined me, the garden would become a happy place. The tree itself more friendly. इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि उनकी जो दादी माँ है जब वो छोटी थी और वो किसी ट्री के पास में अगर बैठती थी तो वैसे उनको बहुत लोनली फील होता था लेकिन जैसे ही उनके पापा उनके पास आते थे तो फिर सडनली वो पूरा गार्डन वो पूरे ट्रीज और सारे प्लांट सब कुछ उन्हें बहुत ही प्यारा लगने लग जाता था और फ्रेंडली लगने लगता था Your great-grandfather had served many years in the Indian Forest Service, and so it was natural that he should know, understand, and like trees. On his retirement, he built his bungalow on the outskirts of the town, planting the trees that you see around it now. Limes, mangoes, oranges, and guavas, also jacar nuts and laburnum, and the Persian like. In our valley, given the chance plants and trees grow tall and strong इस पैराग्राफ में क्या बात कही गई है कि कोकी जो है उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि उसकी दादी माँ के जो दादा थे वो फॉरेस्ट सर्विस में थे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तो जाहिर सी बात है कि उनका भी प्लांट्स के लिए ट्रीज के लिए अच्छा खासा अनकंडीशनल लव था और इसी वजह से उन्होंने जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो आउटस्कर्ट्स क्या होते हैं किसी भी शहर के जो बाहर का जो थोड़ा एरिया होता है ना शहर से थोड़ा हटके जो एरिया होता है अलग वहां पर उन्होंने बंगलो बनाया अपना रिटायरमेंट के टाइम पे और उन्होंने बहुत सारे वहां पर ट्रीज लगाए प्लांट्स लगाए जो आज ये बड़े बड़े ट्रीज जिनके नीचे ये बैठे हैं वो उन्होंने तब लगाए थे इसलिए अब वो इस टाइम पर इतने बड़े हैं तो ये जो ट्रीज इन्होंने लगाए तो अब जाकर ये ट्रीज इतने बड़े हुए हैं ये चीज उन्होंने बताई Of course, there were other trees here before the house was built.
इंक्लूडिंग एन ओल्ड पीपल विच हैड फोर्स्ड इट्स वे थ्रू द वॉल्स ऑफ एन ओल्ड अबैंडन्ड टेम्पल नॉकिंग द ब्रिक्स डाउन विथ हिज विगरस ग्रोथ पीपल ट्रीज आर ग्रेट। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जब हमने यहाँ पर बंगलो बनाना शुरू किया था तो यहाँ पर कोई ट्रीज नहीं थे, पहले भी यहाँ पर एक ट्रीज थे, उन्हीं में से एक पीपल का भी पेड़ था जो बहुत पहले से बड़ा था और वो इतना बढ़ता गया कि उसी के साइड में पास में एक अबैंडन्ड ओल्ड टेम्पल यानी कि एक पुराना सा टेम्पल था जो अब मतलब यूज में नहीं था, इतना खाली सुनसान सा टेम्पल था जो अब इतने यूज में नहीं था, उसकी भी ब्रिक्स को तोड़ता हुआ वो पेड़ बढ़ता गया। तो इस तरीके का भी वहां पर एक पेड़ था जिसको जिसके बारे में वो बता रही हैं। शो ऑफ इवन वेन देर इज नो ब्रीज देर ब्रॉड चेस्टेड स्लिम बेस्टेड लीव्स विल स्पिन लाइक टॉप्स determined to attract your attention and invite you into the shade। और वो पेड़ जो है वो इतना बड़ा है और इतना मतलब हरा भरा है, इतना अच्छा लगता है कि उसके नीचे बैठने का, उसकी शेड में बैठने का बहुत मन करता है सबका। What happened to the temple? asked Koki। उसके बाद कोकी, उसकी दादी माँ उसको ये सारी चीजें बता रही है ना, तो कोकी अब पूछती है कि What happened to that temple? उस टेम्पल को क्या हुआ अब। Well, my mother wanted the peepal tree cut down, but my father said he would save both the tree and the temple. So he rebuilt the temple around the tree and threw it, and there it is on the other side of the wall. The tree protects the temple and the temple protects the tree. People from these parts feel there's a friendly tree spirit dwelling there and they bring offerings of flowers and leaves them at the base of the tree। तो अब जब कोकी ने पूछा कि उस टेम्पल का क्या हुआ तो दादी माँ बताती हैं कि जो दादी माँ की जो माँ थी, जो उनकी मम्मी थी, वो चाहती थी कि उस पीपल ट्री को कट कर दिया जाए क्योंकि वो टेम्पल को तोड़ता हुआ बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके पापा ऐसा नहीं चाहते थे कि उस पेड़ को काटा जाए। तो उसके पापा ने कहा कि मैं पेड़ भी नहीं कटने दूंगा और मैं टेम्पल को भी रीबिल्ड करवा दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उस ट्री के अराउंड यानी कि उसके आस पास टेम्पल को दोबारा बनवाया और अब वो ट्री जो है वो उस टेम्पल को भी प्रोटेक्ट करता है और वो टेम्पल भी उस ट्री को प्रोटेक्ट करता है। और वहां के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि उस ट्री में एक ड्वेलिंग स्पिरिट है यानी कि एक काइंड ऑफ पावर है जो उस ट्री को, उस टेम्पल को प्रोटेक्ट करती है, और इसी वजह से वहां के जो लोग हैं वो उस ट्री के नीचे काफी सारे फूल चढ़ाते हैं और उस ट्री की पूजा करते हैं। डिड यू नो दैट आई यूज टू क्लाइंब ट्रीज व्हेन आई वाज अ गर्ल। This jackfruit was my favorite tree. It's quite easy to climb. You climb it too, don't you? तो यहाँ पर उसकी दादी जी बताती हैं कि तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मैं पेड़ पेड़ पर चढ़ा करती थी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये जो जैकफ्रूट ट्री है ये मेरा फेवरेट ट्री हुआ करता था, मैं इसी पर ज़्यादातर चढ़ा करती थी। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि पेड़ पर चढ़ना बहुत ही ईजी है, तुम भी चढ़ती हो, है ना, चढ़ती हो ना, इस तरीके से उसकी दादी माँ उससे बात कर रही हैं। Another good tree was the banyan behind the house. Its spreading, twisting passageways, the tree was older than the house, older than my grandparents. I could hide in its branches behind a screen of thick green leaves and spy on the world below. तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि इसी के बाद में एक बैनियन ट्री भी था यानी कि एक बरगद का पेड़ था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, और वो बरगद का पेड़ इतना पुराना था कि जब उनका घर भी वहाँ पर नहीं बना था वो तब से वहाँ पर था, और उससे भी पहले यानी कि उनके जो ग्रैंड फादर थे यानी कि कोकी के ग्रेट ग्रैंड फादर, वो उससे भी पुराना बरगद का ट्री था, इतना पुराना पेड़ था वो। तो उसके पेड़ पर भी उनको खेलना बहुत अच्छा लगता था, उसके जो बड़े बड़े लीव्स होते थे, स्ट्रिंग्स होते थे, उनके पीछ में, उनके पीछे उन्हें छुपना पसंद था, वहां से वो पूरे वर्ल्ड को स्पाई करती थी, इस तरीके से वो बातें कर रही हैं। यस द बेनियन ट्री वॉज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ पॉपुलेटेड विद स्मॉल एनिमल्स एंड लार्ज इंसेक्ट्स व्हाइल द लीव्स वर स्टिल पिंक एंड टेंडर They would be visited by the delicate map butterfly who left the eggs to their care. तो यहाँ पर वो बता रही है कि बैनियन ट्री अपने आप में ही एक वर्ल्ड था बहुत सारे एनिमल्स के लिए, छोटे छोटे या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए, और वहां पर इन सभी को का आना जाना रहता था। कुछ बटरफ्लाइज थी जो अपने एग्स को वहां पर छोड़ती थी ताकि वो फिर बड़े होकर लार्वा बनकर एक बटरफ्लाई बन जाए। तो इस तरीके से वो एक बरगद के पेड़ को भी एक वर्ल्ड बता रही है एनिमल्स के लिए।
एट नाइट द ट्री वॉज विजिटेड बाय द हॉक कुकू इट्स श्रिल क्राई इज कमिंग बट फादर सेड दैट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मैन लिविंग इन इंडिया इट सीम टू बी शाउटिंग अप एंड अप द स्केल ओ डियर हाउ वेरी हॉट इट इज गेटिंग वी फील इट वी फील इट वी फील इट. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर रात को एक कुकू बर्ड की भी आवाज़ उन्हें आया करती थी, वहाँ पर वो आवाज़ करती थी, लेकिन एज अ इंग्लिश मैन जो उनके पापा थे वो कहते थे कि वो आवाज़ नहीं कर रही, वो बस इतना कह रही है कि उसको भी बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मियों के टाइम की बात है, तो उसको भी बहुत गर्मी लग रही है और वो इस चीज़ को बता रही है गा गा कर. वेल द बैनियन हैज गॉन सिंस लॉन्ग इट केम डाउन इन अ स्टॉर्म आर्टिकल रूट्स एंड ऑल. Father planted another, but as you can see, it's still quite a young tree. The banyan takes a long time to grow. तो वो ये बताती हैं कि फिर उनके फादर ने, जो उनकी ग्रैंड मदर उनके फादर ने एक और बैनियन ट्री लगाया, लेकिन अभी तक भी वो एक यंग ट्री ही है, वो अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो बैनियन ट्री को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है. Your great grandfather wasn't content with planting trees in the garden or near the house. During the monsoons, he would walk into the scrubble land and beyond the river bed armed with cuttings and saplings. And he would plant them out there, hoping to create a forest, but grazing cattle always finished them out. तो वो बताती हैं कि उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे, उनको गार्डन्स और ट्रीज इतने पसंद थे कि वो हमेशा ट्रीज और प्लांट्स लगाते रहते थे, चाहे वो रेनी सीजन मानसून सीजन हो, तो भी वो ये नहीं सोचते थे कि इस टाइम मतलब बारिश इतनी हो रही है तो मैं रुक जाऊं. वो बारिश में भी जो उनके आसपास का एरिया था वहां पर प्लांट्स लगाते थे इस होप में कि किसी दिन वो एक बहुत सारे ट्रीज बनकर एक फॉरेस्ट वहां पर बन जाए. लेकिन जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं यानी कि जो भेड़ बकरियां होते हैं वो सब आते थे और वो सब खा जाते थे, तो वो कभी ऐसे बन नहीं पाया वहां पर जंगल, इस तरीके से उन्होंने बताया. नो वन एवर गोज देयर आई सेड हु विल सी योर फॉरेस्ट. We are not planting it for people to see, said my father. We are planting it for the earth and for the birds and animals who live on it and need more food and shelter. तो ये जो इनकी दादी माँ है कुकू की, ये बोलती हैं अपने फादर से कि आप ये ट्रीज किसके लिए लगा रहे हो, यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा है इन ट्रीज को. तो उनके जो पापा हैं वो कहते हैं कि मैं ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं फ्यूचर के लिए लगा रहा हूँ, हमारी अर्थ के लिए लगा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनके शेल्टर के लिए लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रीज लगाए हैं. फादर टोल्ड मी व्हाई मैनकाइंड एंड नॉट ओनली वाइल्ड क्रिएचर्स नीड ट्रीज फॉर कीपिंग द डेजर्ट अवे, फॉर अट्रैक्टिंग रेन, फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर फ्रॉम बींग वॉश्ड अवे, बट एवरीवेयर पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वन. If this continues, then one day there will be no forest at all, and the world will become one great desert. अब यहाँ पर वो क्या चीज़ बता रही हैं कि उनके जो फादर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैनकाइंड के लिए यानी कि ये जीव इंसानों का भविष्य बना रहे, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रीज लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज हम लगाएंगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है, ट्रीज हम लगाएंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो और ट्रीज उगेंगे और फिर ऑक्सीजन बनेगा और मैनकाइंड ऐसे ही चलता रहेगा. नहीं तो अगर ट्रीज कट होते जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो ट्रीज कट कर ही रहे हैं, तो जब भी कोई ट्री कट होता है तो वो एक नया ट्री लगाते हैं, सो दैट हमें मैनकाइंड हमारा मैनकाइंड जो है वो बचा रहे और वर्ल्ड जो है वो आगे बढ़ता रहे. इसी वजह से उनके जो फादर है वो ट्रीज लगाते हैं. द थॉट ऑफ अ वर्ल्ड Without trees become a sort of nightmare for me. It's one reason why I shall never want to live on a treeless moon. I helped my father in his tree planting with even great enthusiasm. तो उनके पापा ये कहते हैं कि अगर हम ट्रीज कट कर देंगे तो नदियां भी सूख जाएंगी, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो वो ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बिना ट्रीज के रह कैसे सकते हैं. वो चांद पर नहीं रहना चाहते जहाँ कोई ट्री ही ना हो, इस तरीके से क्या होगा. हाँ, तो ये उनके लिए एक नाइटमेयर जैसा है और इसी वजह से वो ये चीज़ कभी भी नहीं चाहते कि उन्हें ऐसा कोई दिन देखना पड़े. और इसी एंथुजियाज्म के साथ में जो उनकी ग्रैंड मदर हैं फिर वो भी उनके साथ में ट्रीज को प्लांट करने लगी. वन डे द ट्रीज विल मूव अगेन ही सेड. दे हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स
बट वन डे दे विल मूव अगेन. देर वॉज अ टाइम वेन ट्रीज कुड वॉक अबाउट लाइक पीपल. देन अलॉन्ग केम अ टेरिबल डीमन एंड कास्ट अ स्पेल ओवर देम, रूटिंग देम टू वन प्लेस. बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू मूव. सी हाउ दे रीच आउट विथ देयर आर्म्स. तो यहाँ पर वो क्या बता रही हैं कि ट्रीज जो थे वो पहले के जमाने में चला करते थे, और एक बार क्या हुआ, एक डीमन आया और उसने उन पर एक जादू कर दिया कि अब वो अपनी रूट्स से अटैच हो जाएंगे और वो चल नहीं पाएंगे. तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि एक दिन आएगा जब ट्रीज दोबारा चलने लगेंगे. वो थाउजेंड ईयर से इसी तरीके से एक ही जगह पर है, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि वो दोबारा चलने लगेंगे. वो इस तरीके से बता रही हैं कोकी को. और फिर उसके बाद में वो कह रही हैं कि और इसीलिए जब ट्रीज हिलते हैं इधर उधर हवा से, तो वो ट्राई करते हैं कि वो इधर उधर रीच कर पाए. इस तरीके से वो कोकी से बात कर रही हैं. ऑन वन ऑफ आर वॉक्स अलॉन्ग द रिवर बैंक अबाउट अ माइल अपस्ट्रीम फ्रॉम हियर, वी ऑन एन आइलैंड, अ स्मॉल रॉकी आइलैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर बेड. यू नो वॉट द रिवर बेड इज लाइक, ड्राई ड्यूरिंग समर बट फ्लडेड ड्यूरिंग द मॉनसून. A young tamarind tree was growing in the middle of the island, and my father said, "If a tamarind can grow here, so can other trees." तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि आइलैंड के ऊपर एक रॉकी सा आइलैंड है, वहां पर उन्होंने मतलब अपना रहने लगे हैं. तो वहां पर अगर एक टैमरिंड यानी कि एक इमली का पेड़ अगर बीच में उग सकता है, तो बाकी ट्रीज क्यों नहीं उग सकते. इस तरीके से उनके फादर ने बताया. As soon as the monsoon arrived and while the river could still be crossed, we set out with a number of mangoes, laburnum, hibiscus and coral tree saplings and cuttings, and spent the better part of the day planting them on the little island. We made one more visit to the island before the monsoon finally set in. Most of the plants looked quite healthy. वो बता रही हैं कि मॉनसून आने से पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स जितने भी अभी हमने यहाँ पर नाम लिए ना, मैंगो, लेबेनम, हाइबिस्कस, कोरल, तो इन सारे ट्रीज के सैपलिंग्स को लिया और वहाँ पर उन्होंने उसे प्लांट कर दिया एक दिन एक शाम को. और फिर उसके बाद में सेट करके उन्हें बढ़ने के लिए छोड़ दिया कि वो हेल्दीली ग्रो करें. द मॉनसून सीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट. एट एवरी टर्न देर इज समथिंग न्यू टू सी. Out of earth and rock, the leaf and leafless bough, the magic touch of the summer rain brings forth new life and verdure. You can almost see the broad leaves, vines growing, plants, saplings, plants spring up in the most unlikely places. A peepal took root on the roof, a mango sprouted on the window sill. My father and I did not want to remove them, but they had to go if the house was to be prevented from falling down. तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि ये मॉनसून सीजन के बाद में जब अच्छे से बारिश वगैरह हुई, तो जो प्लांट्स उन्होंने लगाए थे वो अब बढ़ने लगे थे धीरे धीरे. एक पीपल का पेड़ था जो बढ़ रहा था, एक मैंगो ट्री था जो उनके विंडो के पास आ रहा था. तो इस वजह से क्या हो रहा था कि उनका जो घर था उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, अगर वो उन्हें कट नहीं करेंगे तो उनका घर जो है वो गिर जाएगा. तो इस तरीके से वो बात बता रही हैं. If you two want to live in a tree, that's all right by me, said my mother. But I like having a roof over my head, and I am not going to have it brought down by a hanging forest. Already I can see roots breaking in through the ceiling. तो यहाँ पर उनकी मदर थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती हैं कि अगर तुम दोनों को पेड़ के ऊपर रहना है तो तुम दोनों रहो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे सर के ऊपर छत चाहिए, और मुझे छत पेड़ों की नहीं चाहिए, अच्छी एक रूफ सीलिंग चाहिए. और तुम पहले ही देख सकते हो कि अभी से ही यहाँ पर सीलिंग जो है वो टूटने लगी है पेड़ों की वजह से. तो इस तरीके से वो उसे गुस्सा कर रही होती हैं और उन्हें काटने के लिए कहती हैं. द विजिटिंग ट्रीज वर केयरफुली रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन द गार्डन. वेन एवर वी केम इनडोर from our gardening and sat down to a meal, a ladybird or a caterpillar would invariably walk off our sleeves and wander about the kitchen, much to mother's annoyance.
क्या होता था कि जब भी उनके फादर और वो कोई ना कोई पेड़ वगैरह लगाकर आते थे, उन्होंने वो वाला पहले वाला पेड़ तो काट दिया था जो उनके घर में प्रॉब्लम कर रहा था, और उसी की जो मतलब उसको ढंग से प्लांट कर दिया था दूसरी जगह पर जहां पर उन्होंने जगह देखी। और जब भी वो इस तरीके से प्लांट्स वगैरह करके आते थे ट्रीज को और खाना खाने के लिए बैठते थे, तो कभी ना कभी कोई ना कोई लेडी बर्ड या कोई कैटरपिलर तो होता था, वो उनके कपड़ों से इधर उधर से निकल के किचन की तरफ जाता था और उनकी मदर को एनॉय करता था। देयर वर फ्लावर्स इन द गार्डन टू, माई मदर लव्ड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स लाइक रोजेस एंड स्वीट पीस एंड जैस्मीन एंड क्वीन ऑफ द नाइट, बट माई फादर एंड आई फाउंड ट्रीज मोर एक्साइटिंग, दे केप्ट ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड अट्रैक्टिंग बर्ड्स एंड अदर विजिटर्स। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि उनकी मदर को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे, उनकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स थे जैसे कि रोज थे, स्वीट पीस थे, जैस्मिन थे, क्वीन ऑफ द नाइट, इस तरीके के बहुत सारे फ्रेग्रेंट फ्लावर्स थे। उनको उनकी मदर को वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उनके फादर को और उनको ट्रीज ज्यादा अच्छे लगते थे। वो जिस तरीके से ग्रो करते थे, विजिटर्स को अट्रैक्ट करते थे, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते थे, तो ये चीज उनको और उनके फादर को ज्यादा अच्छी लगती थी। द बैनियन ट्री रियली केम टू लाइफ ड्यूरिंग द मॉनसून, द ब्रांचेस वर थिक विद स्कारलेट फिग्स, वी कुडंट ईट द बेरीज बट मेनी बर्ड्स दैट गैदर्ड अराउंड द ट्री, गॉसिपी रोजी पेस्टर्स, क्वरलसम नीनास, चेयरफुल बुलबुल्स एंड कूपर स्मिथ्स एंड समटाइम्स अ नॉइजी बुलिंग क्रो वुड फीस्ट ऑन देम। And when night fell and the birds were resting, the dark flying foxes flapped heavily about the tree, chewing and munching loudly as they clambered over the branches. तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि मॉनसून सीजन में बैनियन ट्री जो था वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ, उसके थिक स्कारलेट फिग्स बड़े और उसकी जो बेरीज थी वो नहीं खा पाए, लेकिन जितने भी वहां पर बर्ड्स आते थे, बहुत सारे बर्ड्स के उन्होंने नाम लिए जैसे कि नीना, बुलबुल, कॉपर स्मिथ, नॉइजी बुलिंग क्रो, इस तरीके से बहुत सारे बर्ड्स के उन्होंने नाम लिए कि वो खाते थे। एनिमल्स जो थे उन्होंने उन बेरीज को अच्छी तरीके से खाया, वो नहीं खा पाए लेकिन एनिमल्स ने उन्हें खाया। रात को भी जब सारे बर्ड्स सो जाते थे तो एक फ्लाइंग फॉक्सेस जो होते थे वो आते थे और वो उन्हें मंच करते थे, खाते थे और शोर मचाते थे, इस तरीके से वो बता रही हैं। द ट्री क्रिकेट्स वर अ बैंड ऑफ विलिंग आर्टिस्ट who would start singing at almost any time of the day. At the height of the monsoon, the banyan tree was like an orchestra with the musicians constantly turning up. तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो क्रिकेट्स होते हैं ना, जिनको हम टिड्डे वगैरह वगैरह कहते हैं, तो उन सब की आवाज बहुत जोर जोर से आती थी रात को, और वो उसे एक ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा को से कंपेयर कर रही हैं कि वो इस तरीके से जोर जोर से गाया करते थे बैनियन ट्री के पास में, जैसे कोई एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा हो। अ स्मॉल फ्लूट इन माई हैंड आई वुड एड माई श्रिल पाइपिंग टू दैट ऑफ द क्रिकेट्स एंड सिकाडाज, बट दे मस्ट हैव थॉट पुअरली ऑफ माई पाइपिंग बिकॉज वेन एवर आई प्लेड द इंसेक्ट्स फेल साइलेंट। तो वो क्या करती थी कि जब साथ में क्रिकेट्स रात को आवाज करते थे ना, जिसको एक वो एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा कह रही है, तो साथ में वो भी अपनी एक स्मॉल उनके पास फ्लूट जैसी होती थी उसे बजाया करती थी साथ में। तो जब भी वो बजाती थी तो क्या होता था कि फिर जो क्रिकेट्स होते थे वो चुप हो जाते थे, तो इस तरीके से वो बता रही है। वेन आई ग्रू अप आई वॉज मैरिड एंड वेन वेंट टू लिव विथ योर ग्रैंड फादर इन बॉम्बे, वी वर देयर फॉर मेनी ईयर्स and I could only visit my parents here once or twice in all that time. I had no brother, so when my parents died, they left the house to me. It will be yours one day. Would you rather live here or in that pokey little house in the town? तो वो बता रही हैं कि फिर जब वो बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई, फिर उनके ग्रैंडफादर के साथ में वो बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, तो फिर वो बहुत कभी कभार ही आना जाना उनका होता था इस घर में। उसके बाद में उनका कोई ब्रदर भी नहीं था, तो जब उनके फादर की और मदर की, उनके पेरेंट्स की डेथ हुई, तो उसके बाद में ये घर उन्हीं को मिल गया। और अब वो कह रही हैं कि एक दिन, कोकी से कह रही हैं कि एक दिन तुम्हें भी ये घर मिल जाएगा, तो तुम इस घर में रहना चाहती हो या फिर जो तुम्हारा टाउन में जो कोकी घर है वहां पर रहना चाहती हो, इस तरीके से वो उससे पूछती हैं। हियर सेट कोकी, बट ओनली इफ यू आर हियर टू ग्रैनी। तो कोकी जो है वो कहती है कि मुझे यहीं रहना है, लेकिन तभी रहना है अगर आप भी यहाँ पर मेरे साथ में रहोगी, इस तरीके से वो अपनी दादी से कहती है। द ट्रीज विल बी हियर सेट ग्रैनी, तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती है कि
ट्रीज तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। एंड वॉट अबाउट द आईलैंड, आस्क कोकी। और फिर कोकी पूछती है कि और फिर आईलैंड का क्या? द ट्रीज यू प्लांटेड विथ योर फादर एंड आर दे स्टिल देयर? तो कोकी पूछती है कि उस आईलैंड का क्या हुआ जो आपने अपने फादर के साथ में ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए थे, वो ट्रीज वो सब कहाँ है? यू कैन सी देम ऑफ योर सेल्फ इफ यू फील लाइक अ वॉक, बट आई टेल यू वॉट आई फाउंड वेन आई केम टू लिव हियर अगेन आफ्टर 20 ईयर्स और मोर। आई वॉकड आउट ऑफ द ओल्ड हाउस एंड टुक द सेम पाथ दैट माई फादर एंड आई यूज टू टेक ड्यूरिंग आर वॉक्स। तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें देखना है तो तुम एक वॉक ले सकती हो, लेकिन तो वो कह रही है कि वो फिर जब 20 साल बाद में आई तो उन्होंने दोबारा से प्लांट्स लगाना शुरू किया जैसे वो अपने फादर के साथ में लगाया करती थी। इट वॉज फेब्रवरी आई रिमेम्बर, एंड एज आई लुक अक्रॉस द ड्राई रिवर बेड माई आईज वॉज इमिडिएटली कॉट बाय द स्पेक्टेकुलर रेड प्लम्स ऑफ द कोरल ब्लॉसम्स। इन कॉन्ट्रास्ट विद द ड्राई रिवर बेड द आईलैंड वॉज अ स्मॉल ग्रीन पैराडाइज। वेन आई वॉकड ओवर टू द ट्री आई नोटिस दैट अ नंबर ऑफ पैरट्स हैड कम टू लिव इन देम। अ स्मॉल स्पॉटेड डियर स्कैम्पर्ड अवे टू हाइड इन अ थिकेट एंड वाइल्ड प्लीजेंट चैलेंज्ड मी विद अ मेलो हु आर यू हु आर यू। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि फिर जब वो 20 साल बाद में आई तो वो एक फेब्रवरी का मंथ था, तो उन्हें ये चीज़ याद ही कि रिवर जो थी वो तो ड्राई हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो भी वहाँ पर प्लांट्स लगाए थे तो एक रेड कलर का प्लम का कोरल ब्लॉसम था वहाँ पर, उन्हें वो दिखा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे उन्होंने जो भी प्लांट्स लगाए थे वो सारे उन्हें वहाँ पर दिखे कि वो ग्रो हुए हुए थे। और वहाँ पर एक स्पॉटेड डियर भी था तो वो भी इधर उधर भाग रहा था छुप रहा था, तो ये चीज़ें उन्होंने वहाँ पर देखी। बट द ट्रीज सीम टू नो मी, आई एम श्योर दे विस्पर्ड अमॉन्ग देम सेल्व एंड बेकन मी नियरर। आई रैन माई हैंड्स ओवर देयर बाग्स एंड इट वॉज लाइक टचिंग द हैंड्स ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। एंड लुकिंग अराउंड आई नोटिस दैट अदर स्मॉल ट्रीज एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रासेस हैड स्प्रंग अप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज होम वी हैड प्लांटेड देयर। तो वो बताती हैं कि वो जब आई तो उनको ऐसा लगता है कि ट्रीज भी उन्हें पहचान गए होंगे कि हाँ ये वही बच्ची है जिसने हमें प्लांट किया था। और फिर उसके बाद में उन्होंने उन ट्रीज को टच किया तो उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी एक ओल्ड फ्रेंड से मिल रही हो। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स थे वो अपने आप किस तरीके से ग्रो हुए होंगे। द ट्रीज हैड मल्टीप्लाइड, द फॉरेस्ट वॉज ऑन द मूव। इन वन स्मॉल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड माई फादर्स ड्रीम वॉज कमिंग ट्रू एंड ट्रीज वर वॉकिंग अगेन। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि वो जो ट्रीज थे वो मल्टीप्लाई हो चुके थे, यानी कि वो और ज्यादा बढ़ चुके थे, और जो फॉरेस्ट था वो अब मूव करने लगा था। और एक जो उनके फादर का ड्रीम था कि जो एक दिन ट्रीज जो है वो दोबारा चलने लगेंगे, तो वो कहीं ना कहीं केम ट्रू हो गया, यानी कि सच हो गया, दोबारा से इतने सारे ट्रीज उग गए उस जगह पर जो उन्होंने लगाए थे। तो ये थी स्टोरी कोकी और उसकी ग्रैंड मदर की, कि उसकी ग्रैंड मदर अपने चाइल्डहुड के बारे में कोकी को बता रही होती हैं कि उनको किस तरीके से उनको और उनके फादर को ट्रीज पसंद थे और वो ट्रीज प्लांट करते थे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, उन्हें आप वर्ड्स को देखेंगे और उसके मीनिंग्स अपने आप याद करेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, हमने अभी चैप्टर थरोली पढ़ा है, एक एक पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। वील मीन यू द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।